अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 7 है। 75 केजी का विंडो क्लीनर है जो 10 केजी की एक सीढ़ी इस्तेमाल कर रहा है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो उसे एक एंड ग्राउंड पे रखता है जो ग्राउंड से 2.5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि सीढ़ी का एक पांव 2.5 मीटर की दूरी पे है और जो सीढ़ी का दूसरा सिरा है वो ऊपर एक क्रैक विंडो के साथ उसको लगा देता है। अब वो सीढ़ी पे चढ़ जाता है, जब वो 3 मीटर सीढ़ी की हाइट पे चढ़ जाता है तो विंडो टूट जाती है। अब वो कहता है फ्रिक्शन बिटवीन द लेटर विंडो को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, बेस हम कहते हैं स्लिप नहीं कर रही। विंडो जब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग होती है, यानी बिल्कुल टूटने वाली होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ जो ऑन विंडो फ्रॉम द लेडर, के लेडर ने कितनी फोर्स लगाई होगी विंडो पे। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताओ लेडर की फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पे कितनी फोर्स लग रही होगी। फिर एंगल बताना है फोर्स और लेडर का। अब अगर हम देखें तो लेडर की टोटल लेंथ 5 मीटर है, इसका हाफ ये आ गया L/2, यानी लेडर का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। बंदा सबज रंग की लाइन से जाहिर किया, थोड़ा ऊपर चला गया, एम उसका मास भी ज्यादा था ना, 75 किलो था, तो मैंने उसको बड़े एम से जाहिर कर दिया। बंदे का वेट भी डाउनवर्ड होगा कैपिटल एम के साथ और जी छोटे एम के साथ, ये सीढ़ी का लेडर का वेट है। अब इसकी दूरी को मैंने एल कह दिया, इसका ये चूंकि वेट सेंटर पे होगा तो L/2 आ गया। अब अगर आप देखो तो ये सेंटर से जो उसने उसके फुट से दूरी थी वो 2.5 बताई हुई थी उसने मुझे कि 2.5 मीटर है, उसे मैं डी कह देता हूँ। अब अगर आप देखो ये साइड पता हो, हाइपोटेन्यूस पता हो, एक तरह से ये कह लो कि आपके पास साइड पता हो, तो तीसरी साइड मालूम की जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं L²-D²/√ के तौर पे। तो अब आपके पास थीटा, ये जो सीढ़ी बना रही है फर्श के साथ, तो वो निकाला जा सकता है, थीटा की मुख्तलिफ वैल्यू साइन थीटा देखा जा सकता है। ये अब आपके पास क्या है L²-D² थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और इसमें हाइपोटेन्यूस का किरदार एल अदा करेगा, तो वो सारी वैल्यूज पता है। तो साइन थीटा 0.866 लिखा जा सकता है। कॉस थीटा देखें तो ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 2.5/5 0.5 लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें फोर्स चाहिए जो विंडो पे लगी। अब आप इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क का कंसेप्ट ले आएंगे, तो वो अगर हम कहें कि फुट के ऊपर हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रख देते हैं, तो इसका मतलब फोर्सेस कितनी है मेरे पास। अगर देखा जाए तो मेरे पास 5 फोर्सेस हैं, एक ये F1 है, Mg है, Mg है, F3 है, F2 है, तो 5 टॉर्क तो होने चाहिए। तो मगर ये F3 और F2 तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं, तो मैंने इन दोनों की वजह से टॉर्क जीरो कर देना है, ठीक है। अब बाकी कौन रह गया, ये F1 रह गया, तो F1 अगर देखा जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, तो हम कहेंगे L दूर है, तो मूवमेंट आर्म L हो गया। अब आपके पास L साइन थीटा हम लेंगे, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना, R परपेंडिकुलर, तो ये तो तिरछा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो L साइन थीटा होगा जो परपेंडिकुलर बनेगा, तो हम कहेंगे -F1 L साइन थीटा। अब लेडर वाली बात, तो लेडर में जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है, Mg, वेट किधर लग रहा है, नीचे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो यहाँ पे भी L/2 जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, L/2 cos थीटा, इस तरफ आपके पास ये बेस आ जाएगी ना एक तरह से। तो अब आपके पास M, ये भी हमें टॉर्क पता लग गया, ये मोमेंट आर्म पता लग गया, L/2 cos थीटा, आपको R परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो R परपेंडिकुलर का किरदार कौन अदा करेगा, L/2 cos थीटा। इसी तरीके से जो क्लीनर है कैपिटल एम जी के साथ, उसमें ये वाला एल चल रहा है ग्रीन वाला, इसका भी आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो इस एल का भी जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे वो एल कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो जनाबे वाला, अब आपके पास इसमें अगर देखा जाए ये फैक्टर तो खत्म हो जाएंगे, मुझे F1 चाहिए, F1 के लिए एडजस्ट कर लेंगे, जी और एल कॉमन उठा लेंगे, बाकी सारी चीजें पता है, क्लीनर का मास पता है, क्लीनर की लेंथ पता है, लेडर का मास पता है, लेडर की लेंथ आ गई। अब आपके पास जी भी पता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है, और नीचे एल साइन थीटा है, एल भी पता है और साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे 282.9 न्यूटन आ जाएगा। अब अगर देखा जाए ये F1 आउटवर्ड है, जबकि मुझसे क्या मांगा जा रहा है, फोर्स ऑन विंडो, तो इसका मतलब F1 पे अपोजिट चाहिए मुझे, तो हम कहेंगे लेडर पे फोर्स भी उतनी ही होगी मैग्नीट्यूड में, मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो किस सेंस में होगी, इनवर्ट सेंस में होगी।
अगली चीज हमें क्या चाहिए, अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए ऑन द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब फ्रॉम द ग्राउंड के लिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे आप देखो F3 लग रही है, F1 लग रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है। अब आप कहेंगे F1 - F3 शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से आप वाई एक्सिस पे देखो F2 अप है, MG डाउन है, MG डाउन है, तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेते हैं, यहां से पता लग जाएगा F3 बराबर F1 के, F1 की वैल्यू मालूम है तो वो 282.9 न्यूटन आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन से हम F2 निकाल सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव के हैं, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। कैपिटल एम मैस, क्लीनर का मैस भी पता है, जी भी पता है, लीडर का मैस भी पता है, जी भी पता है, तो 833 आ जाएगा। अब हमें पता है कि इस वक्त लेडर पे दो कंपोनेंट एक तरह से बन गए, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो सम ऑफ फोर्सेस मैग्नीट्यूड देखेंगे तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट का एक तरह से कंसेप्ट लेते हुए सम कर लेंगे, तो ये अब आपके पास 879.69 न्यूटन आ जाएगा। फिर अगली चीज उसने हमसे क्या मांगी थी, एंगल मांगा था ऑफ द फोर्स ऑन लेडर, यानी फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। अब हमने ये जो थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा किस किस का है, लेडर और हॉरिजॉन्टल का, मगर मांग किसका रहा है, फोर्स और हॉरिजॉन्टल का मांग रहा है, उस एंगल को मैं फाई कह देता हूं। तो वो अब मुझे उसके कंपोनेंट पता है, जो मैग्नीट्यूड वाली फोर्स है F2 और F3, वर्टिकल कंपोनेंट हम कह देते हैं इसके लिहाज से F3 है, ये F2 हो जाएगा। इससे लेकर देखे सॉल्व करेंगे तो 833 भी पता है, 282.9 भी पता है, तो 71 डिग्री आ जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये लेडर वाले एंगल पे डायरेक्टेड नहीं है, इससे डिफरेंट एंगल पे है। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।